हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेनेटोस्कोप। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वेलेंट सागा कुछ मांगास। एंड मैंने वेलेंट सागा की पहली चार वॉल्यूम्स खरीदी हैं, बट इस अनबॉक्सिंग के अंदर आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 ही देखने को मिलेगी। और मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ इन मांगास के बारे में, जैसे कि इन मांगास की क्वालिटी कैसी है, क्या प्राइस है और मैंने कहाँ से ख़रीदी है। वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बुक्स वैगन से ख़रीदी हैं वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 4। एंड ये काफ़ी हैवी भी है, तो जो बाकी वॉल्यूम 3 है वो थोड़े दिन बाद आएगी, तो उसकी इमेज जो है वो मैं आपको एडिट करके दिखा दूंगा। बाकी मैं अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। एंड बुक्स वैगन की जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है, या फिर मैं आपको सच बताऊं तो मुझसे टेप निकाले जाते नहीं है, तो वो टेप निकालने वाला जो प्रोसेस है उसको देख के आप बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं आपको और काम की बातें बताऊंगा। तो जो वेलेंट सागा ये पूरी सीरीज़ है, ये मांगा कम्युनिटी में काफ़ी फेमस है एंड ये क्रिटिकली भी काफ़ी मतलब प्रेज करी गई है, इसलिए ये एक तो रीज़न है ही कि मैंने वेलेंट सागा फिज़िकली ख़रीद ली। एंड दूसरा रीज़न ये है कि जो मांगा कम्युनिटी है पूरी, वो इंडिया में अब धीरे धीरे ग्रो हो रही है और इसी कॉज को मैंने और सपोर्ट करने के लिए मांगास खरीदी हैं, तो आई थिंक इससे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। एंड तीसरी चीज़, इसको फिज़िकली पढ़ना एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। और अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो वेलेंट सागा जो है वो वाइकिंग्स की स्टोरी है, जो इंग्लैंड कंट्री में सेट है काफ़ी पुराने टाइम में। एंड सही बताऊँ तो मुझे इसकी स्टोरी वैसे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट ओवर द सरफेस ये मतलब लगती है एक रिवेंज स्टोरी, जो कि काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि लोग कहते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि ये मज़ेदार होने वाली है। तो जो इसका पूरा पढ़ने का मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको ज़रूर एक अलग वीडियो में बताऊँगा, बट ये मोस्टली रिव्यू है उन एडिशंस का जो मैंने ख़रीदे हैं, तो उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने ये बुक्स वैगन से ख़रीदी है, एंड मैंने जो चारों एडिशंस ख़रीदे हैं उन सभी की प्राइस मुझे 1090 रुपीज़ लगी है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्राइस है इन एडिशंस के लिए, क्योंकि अभी आगे जाके जब आप इनकी क्वालिटी देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगी मुझे। और ये हार्ड बैग भी है, तो मुझे लगता है कि ये प्राइस काफ़ी वर्थ है। तो अगर आप भी ख़रीदें तो इस प्राइस रेंज में ज़रूर देखना कि 1000 रुपये से 1100 रुपये में आपको ये मांगास मिल जाए। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पहली चार मैंने वॉल्यूम्स ख़रीदी हैं, ये सारे के साइज़ से आप देख ही सकते हैं काफ़ी मोटी हैं ये, एंड ये सारी ही 2-in-1 एडिशंस हैं, यानी कि जो नॉर्मली वेलेंट सागा है उसकी जो दो वॉल्यूम्स हैं वो एक इन सिंगल एडिशंस में कवर करी गई है। एंड ये सारे ही जो एडिशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटे थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पहले चार एडिशंस हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 54 हैं, और अगर देखे जाए तो ये प्रोलॉग आर्क कहलाती है, और जो वेलेंट सागा सीज़न 1 में 26 या 24 जितने भी एपिसोड्स हैं वो भी बेसिकली प्रोलॉग आर्क ही हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो सीज़न 1 है वेलेंट सागा का पूरा एनीमे का, वो इन चार वॉल्यूम्स में कवर होता है। ऑफकोर्स मैं बार बार चार कह रहा हूँ, लेकिन आपको तीन ही दिख रही होंगी, लेकिन हाँ वो भी आ चुकी होगी जब तक मैं ये वीडियो डालूँगा। तो फाइनली कैसे ना कैसे करके मैंने बहुत ही मशक्कत से इन सारी वॉल्यूम्स को अनबॉक्स कर दिया है, एंड इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पैक किया है बुक्स वैगन ने। और ये जो बबल रैप होता है ये डेंट वगैरह से बचाता है, खासकर जो हार्ड बैक मांगास होती हैं उनमें डेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब वो ट्रांजिट में होती है, तो आई होप इनमें कोई ज़्यादा डेंट ना हो। तो ज़रा खोल के देखते हैं। ये है वेलेंट सागा की बुक 1 या फिर वॉल्यूम 1, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब ये आई थी, तो इसे ज़रा बाहर निकालते हैं। एंड आप देख सकते हैं द क्वालिटी एंड द प्रीमियमनेस ऑफ दिस मांगा रिफ्लेक्ट्स एकदम फर्स्ट लुक से ही। और यहाँ पे है राइटर का नाम लिखा हुआ, और ये एक हार्ड बैक है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। आप देख सकते हैं ये है बुक 1, या फिर आप इसको वॉल्यूम 1 भी कह सकते हैं। और बाकी अगर हम लोग साइड वगैरह से देखें तो हल्के पुल्के डेंट हैं, बट ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मांगा के बैक में हमें सिनॉप्सिस दे रखा है, जो कि आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, बट आप स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, बेस्ट तो वही है। और नीचे जो है वो दिख रखा है कि कोदांशा कॉमिक्स ने इसको प्रिंट किया है, और मांगा की रेट दे रखी है $20, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी प्राइस है इसके लिए, लेकिन इंडिया में आपको अगर आप ख़रीदोगे तो महंगी पड़ती है। और अगर मैं बाइंडिंग की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइंडिंग थी। हार्ड बैक वैसे भी उसकी जो रीडेबिलिटी होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी थी। अब इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं दूसरी मांगास को, जो कि है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का जो कलर है और जो पूरा कवर है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसको मैं बहुत देर तक देखता ही रहा, लेकिन आप आराम से देख सकते हो। अगर आपको ये पॉज करके देखना है तो आप आराम से सारे कवर्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड मैंने ये नोटिस किया कि जो डेंट थे ऊपर,
ये हर मांगा के अंदर थे ही, तो मे भी रखे रखे हो जाते होंगे, बट ये मुझे इतना बॉदर नहीं किया क्योंकि ओवरऑल क्वालिटी और ओवरऑल जो मेरे को मांगा दिखी वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम थी। स्पाइंस एकदम सही क्वालिटी में थी एंड बाइंडिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। तो ये थी वॉल्यूम 2 और ये जो तीसरी आपको दिख रही है ये है वॉल्यूम 4 या फिर बुक 4, जो भी आप कहना चाहें। तो ये मैंने पहले इसलिए ही मंगा ली थी कि जब वॉल्यूम 3 इन स्टॉक आ जाएगी तब मैं वो ख़रीद लूँगा, लेकिन मैं वॉल्यूम 4 अभी मंगा लेता हूँ क्योंकि अभी मैं मंगा सकता हूँ। तो मैंने ये मंगा ली थी एंड इसका कवर पे आप देख सकते हैं एस्केलेट था, जो कि लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ये है वेलेंट सागा वॉल्यूम 4 और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगा। तो ये सारी जो भी हैं वो आप देख सकते हैं, पीछे लिखा भी हुआ है कि ये है फ्रॉम द अक्लेम्ड ऑथर ऑफ प्लैनेटिस। तो ये सारी जो भी मैंने वॉल्यूम्स मंगाई हैं इनको पढ़ने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने वॉल्यूम 1 अभी पढ़ना स्टार्ट कर दी है, तो वॉल्यूम 1 से लेके जो वॉल्यूम 4 तक का मेरा सफ़र होगा, यानी कि जो प्रोलॉग आर्क होगी उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन तब तक हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो 1 है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले कुछ पेजेस के, तो वो कुछ कलर्ड पेजेस थे जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वॉइस ओवर या फिर नरेशन जैसा कुछ मिलेगा एंड द क्वालिटी ऑफ द पेजेस वॉज वेरी गुड। मतलब वो इतने अच्छे और पॉलिश्ड पेजेस थे कि आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। एंड देन देर इज़ द प्रोटैगनिस्ट हमारा, जो कि है विलन सागा का प्रोटैगनिस्ट थॉरफिन। तो ये सब देख के मुझे काफ़ी मज़ा आया कि जो कलर्ड पेजेस हैं वो एक अलग ही जान डालते हैं एक अच्छी मांगा में। एंड स्टार्टिंग के 2-3-4-5 पेजेस ऐसे ही थे, तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल जो मांगा है उसका कवर है ये, तो ये भी उन्होंने डाला है जो कि मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो आगे है वो इंडेक्स दे रखा है एंड ये दिखाता है कि ये जो टोटल है 2 वॉल्यूम्स कवर करता है, पहले वॉल्यूम के 8 चैप्टर्स एंड देन सेकंड वॉल्यूम के 8 चैप्टर्स, इन टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं, बोनस स्टोरी भी है एंड फोटो गैलरी भी है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मांगा एंड पहला पेज भले ही थोड़ा सा डल लगा मुझे, मेरे को लगा कि शायद पूरा प्रिंट ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने बाद में देखा कि बाकी पेजेस काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं एंड मे बी वो स्टोरी का कुछ पार्ट होगा जो कुछ सेंस बनाता है, तो इस तरह से उसकी प्रिंटिंग करी गई है एंड दी आर्ट लुक्स वेरी वेरी गुड। तो फिर मैंने आगे थोड़े और पन्ने पलटे एंड आर्ट देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वेलेंट सागा की आर्ट की लोग दो तरीके से बात करते हैं कि कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है एंड कभी कभी वो थोड़ी सी कार्टूनिश हो जाती है, लेकिन मुझे ओवरऑल आर्ट बढ़िया ही लगी। एंड ये एडिशन जो जब मैंने देखे ध्यान से, तो ये उतने बड़े नहीं हैं जितने ये दूसरों की मांगा कलेक्शंस में लगते हैं या फिर इंटरनेट पर देखने पर लगते हैं, दे आर लाइक अ स्टैंडर्ड साइज। तो जो साइज़ कंपैरिजन है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा, एक स्टैंडर्ड मांगा से कंपेयर करके प्लस एक बड़ी जायंट मांगा से कंपेयर करके। पर अभी हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या है। तो यहाँ पे एक एस्केलेट का पूरा फिगर बना हुआ था, तो आई थिंक जो ऑथर हैं वो भी एस्केलेट के बहुत बड़े फ़ैन होंगे। एंड उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा साइड स्टोरीज़ थी, कुछ बोनस स्टोरीज़ थी, तो वो मुझे नहीं पता किस बारे में है, जब मैं वो पढ़ूंगा तब उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा। बट मोस्टली कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं जो आपको शायद सिंगल वॉल्यूम्स में ना मिले या फिर आपको इंटरनेट पे ना मिले, लेकिन वो इन वॉल्यूम्स में प्रेजेंट थी। उसके आगे कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको और बताने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रखी थी कि कौन से किंगडम्स हैं एंड क्या क्या उनकी फिलॉसफीज़ होती हैं, उनके कल्चर्स होते हैं, उसके बारे में बात करी गई थी एंड थोड़ी बहुत अच्छी आर्ट्स भी बनी हुई थी। तो ये सब देख के ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड ऑफकोर्स ये प्रीमियम एडिशंस और 2-in-1 एडिशन खरीदने का फ़ायदा है जो आपको मिलता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इनको ख़रीदने के लिए, अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। बाकी ये आर्ट आप फिज़िकली भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप शायद इसको लीगली पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर, तो ज़रूर पढ़े। बाकी फिर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमोशनल चीज़ें दे रखी थी, खासकर अटैक ऑन टाइटन की, विच शोज़ कि ये जो प्रिंटेड एडिशंस हैं ये कुछ 2013 या 14 के बाद प्रिंट हुए होंगे एंड ये जो ओवरऑल एडिशंस थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। आपको भी देख के समझ आ रहा होगा कि ये कितने प्रीमियम है। एंड जो बाकी दूसरा एडिशन था उसके अंदर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर भी स्टार्टिंग में कलर पेजेस थे एंड सेकंड वाले के कलर पेजेस मुझे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे क्योंकि उनके कलर और ज़्यादा ब्राइट थे और ज़्यादा वाइब्रेंट थे। पर बाकी जो क्वालिटी है पेजेस की स्टार्टिंग की वो बहुत फिनोमिनल रहती है। मतलब अगर इतनी अच्छी क्वालिटी पूरी मांगा में रहे तो आई नो कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन स्टिल लोग खरीद लेंगे जो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं उस पर्पज़ के लिए। और जो नॉर्मल पेज क्वालिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड अगर आप इसे मॉइस्चर से बचा के रखें तो ये एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में रहेगी। तो ये थी सेकंड वॉल्यूम। और इसके बाद जब मैंने फोर्थ वॉल्यूम को देखा तो सरप्राइजिंगली उसके अंदर कोई भी कलर्ड पेज नहीं था।
आई डोंट नो वाई, बट उसके अंदर नहीं था। तो मैं देखूंगा कि वॉल्यूम 3 के अंदर आता है कि नहीं, बट ठीक है चलो चलता है। पहली दो वॉल्यूम्स में मिल गया देखने को, तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने वॉल्यूम 3 को जो है वो अलग अलग साइजेस से कंपेयर भी किया है। इसको मैंने स्टैंडर्ड वॉल्यूम से यहाँ पे कंपेयर किया है और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम से ये थोड़ी सी ही बस बड़ी है। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक जायंट मांगा से जो कि है मांगा अ डिस्टेंट नेबरहुड, तो उसके मुकाबले ये थोड़ी सी छोटी लगती है। तो इसका जो साइज़ है वो कुछ 19 सेंटीमीटर के आसपास है हाइट में, एंड आई थिंक ये एक अच्छा साइज़ है। इससे थोड़ी सी बड़ी मैंने एक्सपेक्ट करी थी, बट आई एम स्टिल ओके विद दिस साइज़। तो हाँ गाइज, ये थी अनबॉक्सिंग ऑफ विनलैंड सागा वॉल्यूम 1-4। तो आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और आपको ऐसी और अनबॉक्सिंग या फिर मांगा रिव्यूज़ या फिर आप कह सकते हो मांगा हॉल वीडियो देखनी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप और कौन सी मांगाज आपने खरीदी हैं। मुझे खुद अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने में मज़ा आता है, प्लस बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो यप, आपको और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी, एंड तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।